कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन युवाओं के साथ आज में खड़े हैं जिनका भविष्य इस अग्निपथ के माध्यम से केंद्र की सरकार ने अंधकारमय बना दिया है। जो सेना की भर्ती की जो योग्यताएं हैं, जो मापदंड हैं, वो तमाम पहले की तरह स्थायी भर्ती की तरह हैं और जो रैंक पेंशन और स्थायी नौकरी, ये तीन चीजें उन्होंने गायब कर दी हैं। पूरे देश का युवा आज आक्रोशित है। युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली एनडीए सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करती थी, 8 साल में 1 साल जितनी भी नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि कोरोना में हमारे लाखों बच्चों की, नौजवानों की नौकरियां चली गई, प्राइवेट कंपनियों ने उनको निकाल दिया। केंद्र की सरकार ने न रेलवे में, न सेना में, न बैंकों में, न केंद्र के विभिन्न विभागों में नौकरियां जो आज काफी संख्या में खाली पड़ी हुई हैं, 26 लाख के लगभग खाली पड़ी हुई नौकरियों को स्थायी नौकरियों में भर्ती नहीं कर रही है और उल्टे युवाओं के भविष्य को संविदा के आधार पर संवारने के लिए जो ये योजना ले आई है, ये उनके भविष्य को संवारना नहीं है बल्कि उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने जैसा है। तमाम युवा वर्ग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है कि शांति से वो अपनी बात केंद्र की सरकार को कहें। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी है, उनकी आवाज बन करके। जब जब भी केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे वो किसान हो, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हो, जब जब भी उनके ऊपर गलत अपनी नीति थोपने का काम किया है, तब तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी हुई है और कामयाबी मिली है। आपने देखा होगा कि जब भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़छाड़ करने की बात की थी, तब भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी। 3 काले कानून लेकर के आए, तब भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी और आज भी इन युवाओं के साथ में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ में है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी का कल का संदेश, 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मांग है वो देश के प्रधानमंत्री तक और देश के गृह मंत्री तक जाए, इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम लोग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये बहुत ही गलत निर्णय किया है। जिन युवाओं ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में 2 बार एनडीए सरकार बनाने का काम किया और भारी बहुमत दिया केंद्र की मोदी सरकार बनाने में, उन युवाओं को आज छला जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, हमारी सेनाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, चंद उद्योगपति लोगों के लिए स्किल्ड युवा बेरोजगार कैसे मिले इसकी तैयारी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सेना है उसमें आज तक कभी संविदा में भर्ती नहीं हुई, ये पहली बार है जब 4 साल का एक युवा 21-22 साल में वापस बेरोजगार हो जाएगा और उसको काम की कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसे में हम इस अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, केंद्र की सरकार की योजना है, इसका जो युवा विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी